दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित कोहली और सूर्या के तूफान पर सहवाग ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के नीदरलैंड के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन को देखते हुए वीरेंद्र सहवाग ने बयान जारी किया। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या बयान दिया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि भारत और नीदरलैंड के बीच आज मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। दरअसल केएल राहुल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रोहित शर्मा ने 53 रन की पारी खेली और T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की सूची में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना ली। इसके अलावा दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और अपना 35वां अर्धशतक लगा दिया। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने रोमांचक तरीके से तहलका मचाकर सभी गेंदबाजों को चकनाचूर कर दिया और इन्हीं की बल्लेबाजी को देखकर वीरेंद्र सहवाग का सनसनीखेज बयान सामने आया। वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि आज जिस तरीके से रोहित शर्मा का प्रदर्शन देखने को मिला है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आज पूरी तरीके से भारतीय टीम लय में दिखाई दे रही है और आज उन्होंने उन सभी कमजोरियों को बाहर फेंक दिया जो उनको काफी ज्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कप्तानी पारी खेलकर रोहित शर्मा ने दिखा दिया है कि भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए उनसे बेहतर खिलाड़ी शायद कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कप्तान अगर सीना तान कर चलता है तो पूरी की पूरी टीम भी शानदार प्रदर्शन करती है और यही हाल रोहित शर्मा का भी है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने आगे बयान देते हुए यह भी कहा कि जिस तरीके से रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने टीम को संभाला, उनसे एक बात तो जाहिर कर दी है उन्होंने कि भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज अपनी अलग ही अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं जिसमें रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चलते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने पारी को संभाला और अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव ने भी टॉप ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूत बनाकर छक्के और चौके की बारिश करके विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव में से कौन सा खिलाड़ी भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।